हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुमन सैंडी ब्लॉग्स। और आज मैं दिन के लंच में बना रही हूँ कढ़ी, और कढ़ी के साथ खाएंगे हम चावल, तो बनाते हैं। ये मैं घोल तैयार कर रही हूँ कढ़ी के लिए, घोलेंगे ताकि इसकी कंसिस्टेंसी पतली हो और हमारे जो पकौड़े हैं वो फूले फूले बने, तभी स्वाद आएगा कढ़ी पकौड़ों का। मैंने सिंपल ही रखा है बेसन, और मैंने इसमें चुटकी भर हींग डाला है, हल्दी, नमक, मिर्च। तो चलिए बनाते हैं पकौड़े। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका बैटर अच्छे से रेडी हुआ है कि नहीं, तो आप एक कटोरी में पानी ले सकते हैं, क्योंकि मैंने भी ये ट्रिक सीखी थी मम्मी से। तो पानी में डाल के आप इसकी बैटर की एक दो बूंदे डालें, और अगर वो बैटर की एक दो बूंदे ऊपर आ जाती है पानी के, तो इट मीन्स आपका बैटर रेडी है और आपके जो पकौड़े हैं कढ़ी के वो फूले फूले बने। और ये मैं फेंट रही हूँ कढ़ी के लिए दही, इसको मैं पहले अच्छे से फेंट लूँगी ताकि इसमें लम्स ना बने और हमारी कढ़ी अच्छी बने। पहले के टाइम पे इसी से फेंटा करते थे, हमारी मम्मियाँ तो इसी से ही फेंटती हैं। अभी भी फेंट चुका है, इसकी कंसिस्टेंसी एकदम पतली हो गई है, छाछ जैसी। और ये मैं अपने पकौड़े बना रही हूँ, और ये हो रहे हैं मेरे पकौड़े रेडी। थोड़ा सा बैटर बच गया तो इसके दो तीन पकौड़े बन सकते हैं, तो मैं बना रही हूँ। और ये देखिए, जब आपका बैटर अच्छा बना होता है तो आपके पकौड़े ऐसे फूल जाते हैं, तो इससे बहुत अच्छे पकौड़े बनते हैं कढ़ी के लिए, एकदम मुलायम और सॉफ्ट पकौड़े। बना रही हूँ कढ़ी, पकौड़े मैंने बना लिए हैं, अब मैं बना रही हूँ कढ़ी। और मैं इसमें थोड़ा डाल रही हूँ जीरा, थोड़ा सा मैं डालूंगी इसमें हींग, इसमें थोड़ी सी राई, मैंने प्याज और सॉरी लहसुन का पेस्ट, लहसुन और धनिया का पेस्ट नहीं बनाया क्योंकि हम नहीं खा रहे हैं। आप चाहें तो आप वो भी डाल सकते हैं। ऐसे इसमें डालूंगी, और इसके बाद हमें इसे चलाते रहना है ताकि लम्स ना बने और ये फटे नहीं। और ये हमारी कढ़ी पक रही है, इसमें मैंने हल्दी, नमक, थोड़ा सा मिर्च और धनिया डाला है, स्वाद अनुसार आप डाल सकते हैं, कढ़ी मसाला भी डाल सकते हैं आप। और मैं इसमें डालूंगी कस्तूरी मेथी, क्योंकि हमें कस्तूरी मेथी पसंद है और फिर स्वाद और अच्छा हो जाता है। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है कस्तूरी मेथी डालकर हमारी कढ़ी। और कस्तूरी मेथी डालकर एक अलग ही खुशबू आती है कढ़ी से, आहा कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। और लास्ट में मैं इसमें डालूंगी पकौड़े, और उसके बाद हम इसे एक दो मिनट तक गर्म करेंगे और हमारी कढ़ी हो जाएगी रेडी। अब मैं डाल रही हूँ इसमें पकौड़े, और इसे हम अब चलाएं गर्म करेंगे पकौड़ों के साथ एक मिनट के लिए, उसके बाद हमारी कढ़ी हो जाएगी रेडी। और लास्ट में अब हम डाल रहे हैं इसमें धनिया, धनिये के बिना स्वाद नहीं, धनिये की खुशबू का एक अलग ही स्वाद होता है, देखने में भी अच्छा लगता है और जायका भी बढ़ जाता है। और ये देखिए कढ़ी चावल रेडी हैं, और अब हम खाने जा रहे हैं अपना लंच। और आज रॉक्सी को फिर से नहलाया जा रहा है, क्योंकि इसको बहुत गर्मी लग रही थी इसलिए रॉक्सी को नहला रहे हैं, गर्मियों का भी मौसम आ गया है। बैठो, 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 बैठो। अभी हम आए हैं विशाल में थोड़ी शॉपिंग करने के लिए।
और हमने शॉपिंग कर ली है और अब हम जा रहे हैं घर को। और अब हम पहुंच गए हैं घर और हम लाए थे समोसे, हम खा रहे हैं समोसे। थोड़ा टायर्ड भी हो गए, अब हम सोएंगे थोड़ा। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।